हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गीतांग शेट्टी क्लास। मैं हूँ सुनील कुमार और हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल का मॉड्यूल 3 जो कि है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, जिसका हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट को समझा था, कंडीशनल स्टेटमेंट समझा था और एक असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को समझा था। तो हमने इफ और इफ एल्स इस तरह के 3 स्टेटमेंट को हमने समझा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था कंडीशन लगाने के लिए और उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। उसी तरह से आज हम एक और स्टेटमेंट्स को समझने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा प्रोग्रामिंग में, और हम इन दोनों का यूज़ बहुत ज़्यादा करेंगे। कोई भी प्रोग्रामिंग अगर हमें सॉल्व करना है तो इन दोनों स्टेटमेंट की बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। तो हम देखते हैं कि वो कौन सा स्टेटमेंट है। तो आज हम जो स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं वो है इटरेटिव मेथड वाला। जैसे कि हमने अप्रोच में ये समझा था कि प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोच होते हैं। फर्स्ट जो अप्रोच होता है वो होता है सिक्वेंशियल अप्रोच, जो कि स्टार्टिंग से एंड तक एक ही डायरेक्शन होता है। एंड सेकंड अप्रोच जो होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटरेटिव अप्रोच को सॉल्व करने वाले, यानी कि हम इसमें लूपिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें को सीखेंगे। कंट्रोल फ्लो कैसे होता है उसको समझेंगे। कंट्रोल मीन्स क्या होता है? तो जो अगर हम कोई स्टेटमेंट रन कर रहा है तो वो स्टेटमेंट कहलाता है कि अभी हमारा जो रन कराने वाला जो इंटरप्रेटर है उसका कंट्रोल अभी इस स्टेटमेंट पे है। और जैसे वो आगे पीछे रन होते रहता है स्टेटमेंट, तो हम कहते हैं कि ये कंट्रोल फ्लो करता है। ठीक है, तो हम आगे इन सभी को समझेंगे। फिर हम इसमें समझेंगे रेंज क्या होता है, रेंज फंक्शन को समझेंगे, फिर व्हाइल लूप को समझेंगे, फॉर लूप को समझेंगे। ये 2 लूप हैं, इनके मदद से हम इटरेटिव प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी को समझेंगे एंड 1-2 हम सिंपल प्रोग्राम भी बनाकर आपको बताएंगे, इन सबको एग्जांपल देंगे, प्रैक्टिकली भी हम आपको समझाएंगे और छोटे छोटे 2-3 प्रोग्राम मदद से हम इतने भी टॉपिक्स हैं इन सभी टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इटरेटिव कंप्यूटेशन एंड कंट्रोल फ्लो क्या होता है। इटरेटिव मेथड को हम समझते हैं। इटरेटिव मेथड जो होता है उसमें कोई भी प्रोसेस होता है तो वो रिपीटेड वे में होता है, उसमें रिपीटेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द प्रोसेस इन ऑर्डर, यानी कि इसमें जो प्रोसेस का रिपीटेशन होगा एक ऑर्डर में होगा, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये फर्स्ट, जैसे कि कहूँ कि ये 1 से लेकर 10 तक ये रिपीट करे, तो इस तरह से रिपीटेशन होगा। पहले 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से एक ऑर्डर मेंटेन करते हुए ये लास्ट जो हम लिमिट सेट करेंगे कि 10 तक ये रिपीट करे, तो ये 10th स्टेप तक ये रिपीट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स करूँ कि 10th स्टेप से स्टार्ट करो और 1th स्टेप तक आओ, तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते हुए आएगा, हमारे जो प्रोसेस है उसको रिपीट करेगा। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि जो प्रोसेस हम रिपीटेशन करेंगे उसमें एक ऑर्डर देखा जाएगा, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। ठीक है, तो हम स्टेप की मतलब कि हमें कितने बार रिपीट करना है, तो उसके लिए एक काउंटर हम चलाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करते चलो और 4 बार इसे रिपीट करना है, 10 टाइम्स रिपीट करना है, 5 टाइम्स रिपीट करना है, कितने टाइम्स रिपीट करना है वो हमें एक एंडिंग पॉइंट देना होगा। या फिर हम कोई कंडीशन लगा देंगे कि हाँ इसे जब तक बढ़ाते जाओ तब तक कि इसकी जो वैल्यू है वो 10th तक ना पहुंच जाए। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे कि रिपीटेशन तो करेगा लेकिन ये एक ऑर्डर में करेगा, टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ आउटकम। और ये क्या करेगा, तो वो उसी सीक्वेंस में हमें रिजल्ट भी आउटपुट में देते रहेगा। ठीक है, और इसी मेथड को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज लूप, यानी कि इस रिपीटेशन वाले मेथड को, इटरेशन मेथड को हम यहाँ पे लूप के नाम से जानते हैं। ओके, और हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लूप कैन ऑल्सो रेफर टू अ प्रोसेस वेयर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म अ प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन रिपीटेडली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स और अनटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन हैज बीन मेट। यहाँ पे ये बात कह रहा है कि लूप
एक ऐसा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को रेफर करता है जहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगेन एंड अगेन, एक के बाद एक सेम प्रोसेस को वो रिपीट करते रहता है। और कब तक रिपीट करता है? जब तक कोई खास नंबर ना, यानी कि स्पेसिफिक नंबर तक, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि ये 1 से स्टार्ट करो और तब तक ये रिपीट करे जब तक कि 10 तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो ये एक उसका स्पेसिफिक नंबर है, उस स्पेसिफिक नंबर तक वो रिपीटेशन करेगा एंड अनटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन हैज़ बीन मीट, या फिर कोई उसको एक खास कंडीशन मिला हुआ है कि ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तभी तक वो चलेगा, तो वो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक वो चलते रहेगा, यानी कि उसका जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन अगर ट्रू है तब तक वो रिपीट करते रहेगा, वो रिपीटेशन ऑन रहेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर लूप में भी वही बात लिखा हुआ है जो कि अभी हमने समझाया था कि ये तब तक रिपीट करेगा जब तक कि कोई खास नंबर ना मिल जाए या फिर कोई खास कंडीशन जो दिया हुआ है वो जब तक फॉलो कर रहा है तभी तक वो सीमित है। अगर जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ या फिर वो हमने जो नंबर दिया था कि यहाँ तक ये रिपीट करे, अगर वो मिल जाता है तो यहाँ पे उस लूप को टर्मिनेट करके आगे अपने प्रोसेस को बढ़ाएगा, यानी कि लूप के बाद की जो स्टेटमेंट होगी उन सभी स्टेटमेंट को रन कराएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है कि इटरेटिव मेथड को हम लूप कहते हैं, और लूप को चलाने के लिए हमें लास्ट एक टर्मिनेट करने के लिए एक कोई खास कंडीशन होनी चाहिए या फिर कोई खास एक नंबर होना चाहिए कि वहां तक हमें रिपीट करना है। पाइथन सपोर्ट 2 मेथड ऑफ इम्प्लीमेंट इटरेटिव प्रोसेस। पाइथन इटरेटिव मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 मेथड को यूज करता है, यानी कि इसके पास 2 लूप है जिसके मदद से इटरेटिव मेथड को ये इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो दोनों है, एक तो है फर्स्ट में वाइल लूप एंड फॉर लूप। वैसे अदर लैंग्वेज में एक और लूप होता है जिसे हम डू वाइल के नाम से जानते हैं, तो वो सी में मिलेगा आपको, सी सी प्लस प्लस जावा इन सब में मिलेगा, बट पाइथन जो है इसमें बस 2 ही है, एक तो वाइल लूप है एंड फॉर लूप है। ओके, डू वाइल लूप को पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, इसमें वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि इटरेटिव मेथड क्या होता है और उसको कैसे स्टार्ट करना है और कब एंड करना है एंड कौन कौन से लूप हैं। तो 2 लूप है और हम इन सभी को, इन दोनों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम व्हाइल स्टेटमेंट यानी कि व्हाइल लूप को समझते हैं। इन पाइथन व्हाइल लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अनटिल अ गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाई, यानी कि जो कंडीशन इसमें दिया जाएगा जब तक वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक जो इसका ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करते रहेगा, उसको प्रोसेस में रखेगा, उसको बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। कब तक रिपीट करेगा? जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा वो क्या करेगा, इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, पूरे स्टेटमेंट को जंप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट को रन कराएगा। और हम यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे क्या है, एंड When the condition become false, यानी कि जैसे ही condition false होता है, the line immediately after the loop in the program is executed, जैसे कि अभी मैंने बताया कि पूरे program को छोड़कर, यानी कि जो while की block बनी हुई है, एक block बनेगा, उस पूरे block को यहाँ पे छोड़ देगा और आगे shift करेगा next, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे while loop हमारा start होगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई कंडीशन लगेगी, ठीक है, कंडीशन देने के बाद इसकी कोई बॉडी होगी, ठीक है, ये इसकी बॉडी सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बॉडी बना हुआ, तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इस पूरे स्टेटमेंट को छोड़कर नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो कि इस बॉडी से बाहर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कह रहा, सिंटेक्स को देखते हैं, सिंटेक्स में कैसा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम अब पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और सी लैंग्वेज में, बाकी अदर लैंग्वेज में सारे कोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होती है, उसमें लिखने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाइल लूप को, व्हाइल स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, व्हाइल लिखना है और जो भी कंडीशन आपको देना है वो कंडीशन, वो एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई कंडीशन भी डाल सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं।
और जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन ट्रू होगा या कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी चलेगी। यहाँ पे कॉलन ऑपरेटर का यूज किया गया है जो बॉडी को डिफाइन करता है, व्हाइल लूप की बॉडी। ठीक है, यहाँ पे व्हाइल लूप की बॉडी बनेगी और ये जब तक इस स्टेटमेंट का जो इंडिटेशन है, अगर इसी स्टेटमेंट के इंडिटेशन में रहता है तो वो सारे कोड क्या कहलाएंगे, इसके बॉडी कहलाएंगे। और जैसे ही ये व्हाइल के यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डब्ल्यू है, और डब्ल्यू के ठीक इसके नीचे यहाँ पे आ रहा है जो स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखा होगा ये व्हाइल की बॉडी से बाहर है, यानी कि व्हाइल लूप से बाहर का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा और हम सबका एक एक प्रोग्राम भी छोटा छोटा रन करा के दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इसका फ्लो डाइग्राम, तो फ्लो डायग्राम में यहाँ पे व्हाइल की टेस्टिंग होगी, यानी कि जो एक्सप्रेशन होगा या जो कंडीशन होगा उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा, और हर कंडीशन या टेस्टिंग के जगह पे हम डायमंड शेप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे व्हाइल की टेस्टिंग होगी, अगर टेस्टिंग में ट्रू आया रिजल्ट तो ट्रू होगा तो व्हाइल की ब्लॉक चलेगी, और ब्लॉक चलने के बाद फिर से उसकी टेस्टिंग होगी, फिर से चेक किया जाएगा, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये लूप चलते रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा लूप जो कि यहाँ पे एक सर्किल की तरह रिपीटेडली चलते रहेगा, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। और जैसे ही फॉल्स करेगा इस ब्लॉक में अब नहीं आएगा, डायरेक्ट अब जंप करके जो उसके जस्ट नीचे वाला जो स्टेटमेंट लिखा होगा, जो कोड लिखी होगी, जो लाइन लिखी होगी, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा आउटसाइड व्हाइल स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि व्हाइल स्टेटमेंट की जो यहाँ पे बॉडी बनी हुई है ये इसकी व्हाइल की, तो इसके बाहर का जो स्टेटमेंट है उसको ये एग्जीक्यूट करेगा, कब, जब कंडीशन फॉल्स होगा तब। अगर ट्रू होगा तो ये इतने दूर में ही घूमते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक बातें क्लियर हो चुकी है, तो अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और उसको समझते हैं। तो उसके लिए हम पाइथन ऑन करते हैं और हम यहाँ से पाइथन ऑन करते हैं। हमारा पाइथन आ चुका है, IDLE को ऑन ऑन करते हैं क्योंकि ये GUI बेस है, टर्मिनल एक आएगा। यहाँ पे ओपन हो चुका है और हम यहाँ पे एक बार में एक ही लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं टर्मिनल पे। और चूंकि हमें लूप चलाना है, लूप में हमें तीन चार लाइनें लिखती हैं, बहुत सारे ब्लॉक चलाने हैं, तो उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल करते हैं और हम उन्हीं वहीं पे सबको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो हमें यहाँ पे एक फाइल ले लिए और इसको हम सेव कर लेते हैं, पहले यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स पाइथन प्रोग्राम, हमने एक अलग फोल्डर बना रखा है जिसमें हम सारे प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो आज बनाने वाले हैं वो हम व्हाइल का यूज करेंगे, व्हाइल लूप का, व्हाइल स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाइल स्टेटमेंट हमने लिख दिया और यहाँ पे हमने py एक्सटेंशन नेम दे दिया, देन यहाँ से सेव, और ये सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, कोडिंग करना है। तो कोडिंग करना है तो किसका कोडिंग करना है ये हमें, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि प्रिंट 10 नंबर, हम 10 नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं यहाँ पे, या फिर हम ऐसा करते हैं कि टेबल को प्रिंट करते हैं। ठीक है, टेबल हमारा प्रिंट हो, और टेबल कितने का टेबल प्रिंट हो, तो यूजर इनपुट करे, जो यूजर इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा टेबल प्रिंट हो। टेबल यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट टेबल ऑफ यूजर इनपुट। ठीक है, यानी कि जो यूजर इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा टेबल प्रिंट हो। जैसे कि हम बात करें कि 5 की टेबल प्रिंट करो, 2 की टेबल प्रिंट करो, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे टेबल को प्रिंट कराने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल प्रिंट कैसे करेगा, तो अब हमें एक लॉजिक बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और एक आउटपुट स्क्रीन बनाना पड़ेगा कि हमें कैसा प्रोग्रामिंग चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको दिखा दें, यहाँ देखिए कि हम कैसा चाहते हैं। तो सबसे पहले हम तो आउटपुट स्क्रीन ही डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमें कैसा स्क्रीन चाहिए। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा है इंटर अ नंबर। ठीक है, और नंबर जो हमारा इनपुट होगा
सपोज कि यहाँ पे 5 इनपुट हुआ तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाए 5, 10, 15, 20, ठीक है, इस तरह से हमारा लास्ट 50 तक हमारा आउटपुट आना चाहिए, यानी कि टेबल हमारा इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन होना है, तो इतना ठीक है। तो अब क्या है कि हमें कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है कि एक मैसेज दिखाना है इंटर अ नंबर और यहाँ यूजर इनपुट करेगा कीबोर्ड से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें इसको एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उस वेरिएबल में हमें इनपुट कराना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और इसमें हमें जो मैसेज है वो हम पास कर देंगे, तो वो इसमें इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है 5। अब 5 को हमें रिपीट करना है, अब हमें प्रिंट कराना है। अब हम यहाँ पे देखिए कैसे इसको प्रिंट कराते हैं, तो अब हमें कितने बार टिप प्रिंट करना है, तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, ठीक है। यानी कि हमें इस तरीके से प्रिंट करना है कि सबसे पहले 5 आए, फिर 10 आए, फिर यहाँ पे 15 आए, फिर यहाँ पे 20 है, इस तरीके से आगे प्रिंट आउट हो। तो 5 कैसे आएगा, अगर हम बात करें कि हमारे पास 5 है तो इनपुट में है नम 5, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है तो कैसे आ सकता है, तो 5 इंटू अगर 10 कर दे, 5 इंटू 2 कर दे, तो रिजल्ट हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू 1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और मल्टीप्लीकेशन किस ऑर्डर में हो रहा है, तो 5 जो हमारा नम है, तो हम इसको एक और टेक्निकल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज कैसे होगा, जैसे कि नम 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 में क्या है, 5 है, तो हर जगह जितने भी यहाँ 5 है उसके जगह पर नम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसके जगह पर भी हम एक वेरिएबल रख लेते हैं। सपोज कि हम इस वेरिएबल का नाम रख लेते हैं आई, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, यहाँ पे हमने रख लिया आई, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो, तो हर बार चेंज होनी चाहिए, जब पहली बार प्रिंट हो तो आई की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 1 होनी चाहिए। जब ये लाइन प्रिंट कर जाए तो i की वैल्यू 1 बढ़ जानी चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, i असाइन i प्लस 1, ठीक है। और जैसे ही i की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करने के बाद क्या होगा कि उसको फिर नम से मल्टीप्लाई करो और फिर प्रिंट कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो, प्रिंट करो, मल्टीप्लाई, प्रिंट, इसी तरह से क्या होगा कि हमारा रिपीटेड वे में काम करते रहे। और ये कब तक करे, जब तक कि आई की वैल्यू कितनी ना हो जाए, तो आई की वैल्यू 10 तक ना हो जाए, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग तो 1 से करेगा और लास्ट कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है आपका। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन कि नम आई, आई को हमें कब तक चलाना है, तो आई लेस देन इक्वल टू नम, नम नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 10, यानी कि i कब तक चलाना है, जब तक कि ये 10 के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे 10 लिखते हैं तो ये जो हमारा i है वो 10 तक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, चला के देखते हैं कि क्या आता है। हमने लॉजिक समझ लिया कि अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे while लगाना है, while, और हमें ये प्रोसेस को करना है। तो सबसे पहला हमारा काम तो ये होगा, सेकंड काम ये होगा, और थर्ड काम हमारा प्रिंट कराने का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 काम को करने वाले हैं, चलिए कोडिंग करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनपुट लेना है, तो इनपुट करते हैं, और इनपुट के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हमने नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और इसमें हमें इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट कराना है, और इसमें हमें इनपुट यूजर से कराना है, तो हम इनपुट फंक्शन लिखते हैं, एंड इनपुट फंक्शन में हम एक मैसेज देते हैं इंटर अ नंबर, और हमने यहाँ पे नंबर देने के लिए जगह दे दी, एंड हम एंटर बटन प्रेस कर लिया। अब हमें क्या करना है कि वाइल लूप लगाना है, वाइल स्टेटमेंट लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वाइल। अगर कलर चेंज हो जाता है, यानी कि ये सही काम कर रहा है, वाइल के स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए कोडिंग में किसी भी
तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो वर्क ही नहीं करेगा। तो वाइल हम लिखते हैं, अब कंडीशन क्या है, तो आई की वैल्यू कहाँ तक जाना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, हम इसको करके समझते हैं। तो पहले तो स्टार्टिंग वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, यानी कि आई में सबसे पहले 1 रखा जाए, यानी कि 1 से स्टार्ट करना है, और देन कहाँ तक चलना है, तो ये आई से छोटा हो या 10 के बराबर हो। अब हम यहाँ पे कॉलन ऑपरेटर का यूज करेंगे, जो कि ब्लॉक को डिफाइन करेगा, और इस ब्लॉक में हमें क्या करना है, तो हमें प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, तो नम। नम क्यों, क्योंकि हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं, तो वहां पे 2, 3, 5, 4 कुछ भी दे सकता है, इसलिए हम यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते, तो नम इनटू आई। आई में 1 है फिलहाल, और ये एक एक करके इंक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ पे आई हमने लिख दिया, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा उस तरह से मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आउटपुट आएगा। अब सेकंड हमारा काम क्या है कि आई को भी बढ़ाना है, आई प्लस प्लस, प्लस प्लस यहाँ पे नहीं, आई प्लस इक्वल टू 1। यहाँ हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम एक और काम यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि मैं कमेंट में लिख सक देता हूँ। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं आई असाइन आई प्लस 1, दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई असाइन आई प्लस 1, या फिर हम आई प्लस असाइन 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का काम सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और आई को एक एक करके इंक्रीज करें, इंक्रीज करने के बाद क्या हो, अब हमारा जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, आई 10 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये काम खत्म हो जाएगा। हम इसको एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, इसको मैं F5 बटन प्रेस करता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, रन पे जाते हैं, रन मॉड्यूल करते हैं, और यहाँ से हम ओके करते हैं, यहाँ पे आ रहा है इंटर अ नम, नम मीन्स नंबर, तो हमने यहाँ पे 5 दिया एंड एंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था आउटपुट, वो यहाँ पे आउटपुट हमें मिल रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50, कितना इजी है, हमने कितने कम लाइन में हम अपने टेबल को प्रिंट करा लिए। एक बार और हम रन करा के आपको दिखाते हैं, मैंने यहाँ पे रन पे गया और रन से रन मॉड्यूल किया। अब इस बार हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ यूजर इनपुट के लिए कह रहा है इंटर नंबर, नंबर में हम यहाँ पे सपोज 2 दे देते हैं, क्योंकि हमें समझ में आया, जैसे हमने 2 बटन दिया, यहाँ पे 2 का टेबल आ चुका है, 2 से लेकर 20 तक। ठीक है, यहाँ तक हमारा आउटपुट आ रहा है, तो देखिए कितना हमने इजी तरीके से इसको स्टेप में प्रिंट करा लिया। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी शो कराना चाहते हैं, तो हम वो भी यहाँ से काम को कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे नम, यहाँ पे हमने दिया कॉमा, और यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल या फिर हम क्रॉस सिंबल का यूज कर लेते हैं, एंड आई फिर यहाँ पे इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा नम है, अब नम के अंदर जो हम इनपुट करेंगे वो आएगा, एक्स आएगा, और एक्स एक्स यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का सिंबल की तरह यूज करेगा, जो कि हम नॉर्मल मैथ में यूज करते हैं। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होगी, अब जैसे जैसे आई आएगा वैसे वैसे होगा, और फिर इक्वल टू आएगा, और फिर हमें यहाँ पे उसका कैलकुलेशन करने के बाद आउटपुट आएगा। ठीक है, अब इस बार मैं जो हैश वाला सिंबल है, इसको मैं यहाँ पे इसको एक बार रन करा कर दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आपको समझ में आया कि हम दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं, और मैं यहाँ से रन कराता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नंबर इनपुट करने के लिए दे रहा है, और नंबर हम इनपुट करते हैं सपोज 10 इस बार, और यहाँ पे हमने एंटर बटन प्रेस किया। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के साथ हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, तो ये देखिए कितना खूबसूरत प्रोग्राम बन चुका है, और बहुत ही इजी तरीके से हम रिपीटेडली वे में हम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे टेबल को प्रिंट करा लिए। आई होप कि सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके क्लियर हो रही होंगे। अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपको मन में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं, वाइल लूप तो हमने समझ लिया, और वाइल की बॉडी भी समझ ली, और एक बार और हमने यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे हम जो लिखेंगे प्रिंट, और ये क्या है प्रिंट फंक्शन, हम यहाँ पे लिखते हैं एंड ऑफ प्रोग्राम।
ये क्या है? तो यहाँ पे आप इंडेंटेशन को देखेंगे कि ये जो व्हाइल लूप है और व्हाइल लूप की जो यहाँ पे प्रिंटिंग है और इसके पहले जो गैपिंग है, यानी कि ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन व्हाइल की बॉडी है और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्रिंट जो फंक्शन है ये व्हाइल की बॉडी से बाहर का है। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये दोनों लाइन कंप्लीटली चलने के बाद ही ये लाइन प्रिंटिंग होगा। ठीक है, एक बार और हम इसको रन करा लेते हैं और हम यहाँ पे इनपुट देते हैं। सपोज हम इस बार 2 का टेबल या फिर 5 का टेबल हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन वाइज लाइन हमें यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है और लास्ट में आप देखेंगे कि जो हमने एंडिंग किया था, एंड ऑफ प्रोग्राम, वो लास्ट लाइन प्रिंट हो रहा है और एक ही बार प्रिंट हो रहा है, ये बार बार प्रिंट नहीं हो रहा बिकॉज कि ये लूप स्टेटमेंट से बाहर है। ओके, यहाँ तक क्लियर? ठीक, तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, नेक्स्ट लूप क्या है। तो यहाँ वाइल की कंडीशन और सब कुछ हमने देख लिया। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमें पढ़ना है, ये रेंज फंक्शन है, बिकॉज कि हम जो नेक्स्ट लूप पढ़ने वाले हैं फॉर लूप, उसमें इसका यूज होने वाला है, इसलिए हम पहले रेंज फंक्शन को समझ लेते हैं कि रेंज फंक्शन क्या है और इसका यूज क्या है, हम कैसे यूज करेंगे। तो अब हम रेंज फंक्शन को समझते हैं। रेंज फंक्शन कहता है द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। रेंज फंक्शन में क्या होगा कि जो भी हम इनपुट करेंगे वो एक सीक्वेंस देगा, एक सीरीज हमें रिटर्न देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट। और इसका स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, तो 0 होगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि अगर हम सेट नहीं करेंगे, हम ऐसे ही कोई नंबर दे दिए तो वो 0 से स्टार्टिंग करेगा। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम खुद से अगर नहीं देते हैं इनकेस, तो वो स्टार्टिंग 0 से करेगा। एंड इंक्रीमेंटेड बाय 1, एंड ये क्या करते हैं, तो एक के बाद एक इंक्रीमेंट करते रहेगा अपने आप। अगर हम स्टेप देते हैं तो वो हमारे हिसाब से इंक्रीमेंट करेगा, अगर हम स्टेप नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 1 से ही इंक्रीमेंट करेगा। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, अगर हम चेंज करना चाहें तो हम खुद से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम रेंज फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं रेंज, एंड रेंज में हमने लिख दिया 10, तो 10 क्या हुआ कि 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करे, है ना। यस, क्या स्टार्टिंग पॉइंट हो गई 0 और एंडिंग पॉइंट हमने दे दिया 10, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक के बाद एक इंक्रीमेंट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये कुछ आएगा, लास्ट 10 तक जाएगा, है ना। तो इसकी हम खुद से भी स्टेपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट हम खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं, और इसकी बीच की जो स्टेप है, जो कि यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई 1 इंक्रीमेंट करेगा, अगर हम 2 से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, 3 से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, 4 से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे खुद से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसकी अपनी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। तो जो रेंज फंक्शन है वो नंबर का सीक्वेंस हमें रिटर्न करेगा, एक रेंज देगा, और रेंज में स्टार्टिंग जो वैल्यू होगी वो 0 होगा और इसकी इंक्रीमेंट का स्टेप होगा वो 1 से होगा, एंड एंड्स एट अ स्पेसिफाइड नंबर। और जो आप नंबर दिए थे, जैसे कि हमने यहाँ पे 10 लिखा था, तो उस 10 के अकॉर्डिंग वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि यह हमें एक रेंज रिटर्न करेगा। रेंज फंक्शन एक्सेप्ट आर्गुमेंट ओनली इंटीजर नंबर। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि रेंज फंक्शन जो है वो केवल और केवल इंटीजर नंबर को ही एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे फ्लॉट नंबर, स्ट्रिंग नंबर, ऐसा कुछ नंबर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। सिंटेक्स देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। तो जैसे कि हमने लिखा इसका सिंटेक्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंज लिखेंगे, रेंज एक फंक्शन है तो पैरेंथेसिस उसमें यूज होगा, और यहाँ पे हम 3 वैल्यू को दे सकते हैं। एक तो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू होगा कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, फिर सेकंड जो नंबर है वो है स्टॉप वैल्यू, कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ करना है वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, और इनके बीच का जो गैपिंग होगा, जो स्टेप होगा, वो कैसा होगा। जैसे कि मैं बात करूँ कि हमने यहाँ पर लिख दिया 2 और एंडिंग पॉइंट हो गया 10, और इसकी जो बीच की स्टेप वैल्यू है वो हो गया 2, तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, 2, 4, 6, 8, और चूंकि 10 तक जाना है, ठीक है, तो ये 10 जो स्टॉप वैल्यू है तो वो 10 तक, तो ये यहीं तक प्रिंट करेगा, इसके आगे हमारा प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप वैल्यू 10 है, तो ये लास्ट कहाँ तक चलेगा, 10-1 तक ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 11 लिख देते हैं तो 11 करेंगे तो हम यहाँ पे 10 को भी प्रिंट करा सकते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं कि बहुत सारे वैल्यू को हम स्टोर कहाँ करेंगे, तो लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, टपल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ये रेंज तो रिटर्न करेगा, बट कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर करना पड़ेगा ना, तो कहीं स्टोर करना है तो उसके लिए हमें एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। तो आइए हम इन सब का एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, डेमो। यहाँ पे हम एक एक करके देते हैं, जैसे कि हमने दिया लिस्ट रेंज 5, तो ये क्या करेगा कि रेंज तो बनाएगा और इसको एक लिस्ट में स्टोर करेगा, और लिस्ट की आउटपुट क्या आएगी, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे समझा था कि फंक्शन रेंज फंक्शन लिस्ट को सीक्वेंस को रिटर्न करेगा, और इसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा तो 0 होगा, और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, तो जैसे हमने 5 दिया तो ये 5-1 तक ही एग्जीक्यूट करेगा, उसको स्टोर करेगा। अगर टोटल नंबर की बात कीजिए तो टोटल नंबर यहाँ पे 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन स्टार्टिंग 0 से होगा और 4 तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर रेंज की बात की जा रही है तो यहाँ 1 से स्टार्ट करे और 6 तक चले, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 से स्टार्ट हुआ और 6-1 तक चला, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे लास्ट स्टॉप वैल्यू देंगे तो स्टॉप माइनस 1 तक चलेगा। और यहाँ पे आप 3 नंबर जो है इसको आप देखेंगे, ये जो 3 नंबर हमने दिया है एग्जांपल, यहाँ पे हमने तीनों वैल्यू को प्रिंट कराया, 2, 11 एंड 2, जैसे कि अभी हमने यहाँ भी समझा था। तो अभी समझे थे कि हमने स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया 2 और एंडिंग वैल्यू दे दिया 1 एंड स्टेप वैल्यू दे दिया 2, तो वो उसके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट आ गया 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। यानी कि अगर हम 1 वैल्यू देते हैं तो ये कौन सा वैल्यू होगा, तो स्टॉप वैल्यू होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टॉप, कहां स्टॉप करना है, तो 5-1 तक। अगर 2 वैल्यू इनपुट हो रहा है तो फर्स्ट वाला क्या होगा, स्टार्ट, एंड सेकंड वाला होगा स्टॉप, ठीक है। और तीनों दिया हुआ है तो जो हम यहां पे समझे हैं यही सिंटेक्स है इसका, कि फर्स्ट में स्टार्ट और मिडिल में स्टॉप एंड लास्ट में स्टेप। हाँ, इसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते आप, जैसे कि हम स्टार्ट वाले वैल्यू को स्टॉप वाले जगह पर, और स्टॉप स्टेप वाले को हमने स्टार्ट में रख दिया और स्टॉप वाले को एंड में रख दिया, तो इसकी हम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। ये फिक्स है कि स्टार्टिंग में दिया हुआ नंबर स्टार्टिंग नंबर है, बीच में मिडिल में जो नंबर देंगे वो स्टॉप वैल्यू होगा, और लास्ट में जो हमें वैल्यू देंगे वो स्टेप वैल्यू होगा, कि एक के बाद अब दूसरा स्टेप कौन सा नंबर प्रिंट करेगा, इन दोनों नंबर के बीच में कितनी गैप रखना है उसको इसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बात क्लियर हो चुकी है, तो अब हम इसका एक प्रोग्राम भी रन करा के देख लेते हैं, एक सीरीज हम प्रिंट करके देख लेते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, और चूंकि ये एक लाइन में एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट पे ही रन करा लेते हैं, स्क्रिप्ट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ भी प्रिंट करा सकते हैं और भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम इन सबको पहले हम इसके साइज को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, और यहाँ ये देखिए हमने ऊपर कर लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रन कराते हैं, रेंज, ठीक है। रेंज फंक्शन का कलर यहाँ पे पर्पल हो चुका है। अब देखिए अगर हम नॉर्मल से केवल यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, ठीक है, हम कुछ नहीं लिखते और इसका भी आउटपुट देखना चाहते हैं, अभी हमने इसको लिस्ट में टाइपकास्ट नहीं किया है, अभी हम नॉर्मल ऐसे ही प्रिंट करा के देखते हैं, तो इसका आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, रेंज 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट 5 तक चलेगा, यानी कि 5-1 तक। अब हम इसी लाइन को हम यहाँ पे एंटर बटन करेंगे तो ये आ चुका है, और इसको हम टाइपकास्ट करते हैं। टाइपकास्ट करने का मतलब कि जो वैल्यू आया है उसको किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, तो हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। आप टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी लिस्ट वाला डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किया, आप यहाँ पे देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 हमें आउटपुट मिल रहा है, और ये लिस्ट में आ रहा है, लिस्ट में इसलिए लिस्ट की पहचान क्या है, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आउटपुट में आता है, तो ये हमारा लिस्ट है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे एक रेंज हमें आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। और हम इसी चीज़ को एक बार और प्रिंट कराते हैं, अब इसमें हम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट देंगे, तो हम सपोज मान लेते हैं कि स्टार्ट तो हमारा 5 से हो, एंड एंड की अगर बात करें तो एंड हम सपोज 50 ले लेते हैं, ठीक है।
और हम इसको 50 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पे 20 रख लेते हैं 20, और एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 से लेकर 19 तक प्रिंट हो। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जैसे हमारा एंडिंग पॉइंट क्या था 20, तो 20 यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास कितना आया है 19, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कि जो इसकी स्टेप वैल्यू की अगर हम बात करें कि 5 और 6 के बीच का जो स्टेप है वो 1 है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या करता है तो ये 1 से इंक्रीमेंट करता है। यहाँ पे हम देखें कि 9 से 10 तक आया है तो इसमें क्या हुआ, प्लस 1 हुआ है। फिर यहाँ पे हम देखें तो ये प्लस 1 हुआ है, ठीक है। तो ये 1-1 का गैप है इन दोनों के बीच में, इसका स्टेप वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी है 1 से इंक्रीमेंट करना। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे 19 आया है, क्यों, क्योंकि हमारा लास्ट वैल्यू कितना था 20, तो यहाँ पे कितना चलेगा 20-1 तक, ठीक है। ये इसका रेंज हो चुका है 20-1, तो ये 19 तक चला। अगर हमें पूरा 20 तक प्रिंट आउट करना होता तो हमें यहाँ पे 21 देना होता। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और हम एक बार और इसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं, और इस बार हम स्टेप वैल्यू देंगे। अब हमने यहाँ पे लिख दिया 51, ओके, 5 से 51 तक प्रिंट करो। इस बार हमने 50 नहीं दिया, 51 दिया, और इसकी स्टेप यानी कि दो वैल्यूज के बीच की गैप कितनी होनी चाहिए, तो 5 होनी चाहिए, ठीक है। स्टेप वैल्यू 5 होगा, यानी कि 5 फिर 10, यानी कि हम एक तरीके से 5 का टेबल हम प्रिंट करा रहे हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से यहाँ पे 5 की एक टेबल प्रिंट हो चुकी है, टेबल आ चुका है। तो इस तरीके से हम रेंज फंक्शन का यूज करेंगे, और रेंज फंक्शन में मैक्सिमम हम 3 वेरिएबल को इनपुट कर सकते हैं। ये जो है हमारा स्टार्ट, फिर सेकंड नंबर जो है वो है स्टॉप, एंड थर्ड नंबर जो है वो है स्टेप, ठीक है। स्टेप कितने का स्टेप रखना है, मींस कि फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू तक आने में उसकी कितने स्टेप है, तो प्लस 5 है। इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है, 15-10=5। कहीं भी आप दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके देख लो उसकी बीच की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 5 आ रही है, ठीक है। तो इसी को स्टेप वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हमने व्हाइल लूप को समझ लिया, इसको बेसिक बातें हमने समझ ली कैसे यूज करना है, और हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं अपने, यहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है फॉर लूप, ठीक है। हमने व्हाइल लूप पढ़ लिया था, और अब हमें फॉर लूप पढ़ना है। और फॉर लूप जो है इसमें रेंज ही दिया जाता है, सीक्वेंस से दिया जाता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया जाता है। इसमें हम स्पेसिफिक नंबर एक डिसाइड करेंगे और उस नंबर तक हम इस लूप को चलाते हैं। फॉर लूप आर यूज्ड फॉर सिक्वेंशियल ट्रैवर्सल, यानी कि ये सिक्वेंशियल ट्रैवल करेगा, एक के बाद एक, एक सीक्वेंस में ही ट्रैवल करेगा, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये आपको डिसाइड करना है कि हमें कैसे ट्रैवल करना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इन पाइथन देयर इज नो सी स्टाइल फॉर लूप। पाइथन में सी का जो स्टाइल होता है उस स्टाइल में हम फॉर लूप का यूज नहीं करते, ठीक है। यानी कि अदर लैंग्वेज में फॉर लूप को हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अलग तरीके से लिखते हैं, और पाइथन में हम अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिंटेक्स दिया हुआ है, ये सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, या फिर जावा की बात की जाए तो ये उन सब में इसका यूज किया जाता है। बाकी अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें फॉर लूप की, और ये पाइथन लैंग्वेज की बात करें, तो पाइथन में फॉर इन का यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पे इन कीवर्ड का यूज किया जाता है, और यहाँ पे फॉर लूप का तो है ही। तो इस ऐसे हम इसको देखते हैं, और इसका हम सिंटेक्स भी समझेंगे। तो सिंटेक्स देखते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर होगा। तो फॉर लूप जो है हमारा सिक्वेंशियल वर्क करेगा, और सिक्वेंशियल करेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर ये तो कीवर्ड हो गया हमारा लूप का, और यहाँ पे है एक वेरिएबल हमें डिसाइड करना है, ठीक है। वेरिएबल कोई भी आप रख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आई का यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे आई रख लिया था कि i1, i2, i3, तो ये एक सीक्वेंस होगा, एक वेरिएबल बनेगा, जो भी आप वेरिएबल का नाम देंगे उस वेरिएबल में ये आएगा। और यहाँ पे क्या है कि सीक्वेंस, अब यहाँ पे आप उस सीक्वेंस को दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रेंज दिया था, तो हम यहाँ पे रेंज को बना सकते हैं, रेंज फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और रेंज फंक्शन में हम कोई वैल्यू दे सकते हैं,
और वो भी वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं कि वन से स्टार्ट हो, यानी कि इसको हम यहाँ पे एक इम्प्लीमेंट करते हैं, एक लिखते हैं इसी चीज़ को, इन सब को यूज़ करके फॉर, और यहाँ हो गया आई इन रेंज, और यहाँ पे हमने दे दिया सपोज कि वन, और यहाँ पे हमने दे दिया 11, ठीक है। इसका मतलब क्या है इसे समझते हैं कि फॉर लूप तो चलेगा, और ये कब तक चलेगा, तो आई इन रेंज, यानी कि जो ये रेंज है, इस रेंज की जो पहली वैल्यू है वो इन हो जाए आई में, यानी कि जो आई नाम का वेरिएबल है इसमें वन आ जाए, ठीक है। और ये कब तक आते रहे, जब जब ये बाई डिफ़ॉल्ट वन से इंक्रीमेंट करता है, तो ये जैसे ही लूप एक बार यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इन सबको एग्जीक्यूट करके जैसे ही ये रिपीट करेगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू को इसमें आई में रखेगा, फिर ये एग्जीक्यूट करके ऊपर जाएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू को आई में रखेगा, यानी कि ये लास्ट 10 नंबर तक चलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 11 लिखा है, तो 11 माइनस 1 10 है, तो ये 10 नंबर को बार बार ये एक से इंक्रीमेंट करेगा और ये इसमें रखेगा। अगर हमें अपने मन से इंक्रीमेंट कराना है तो हमें यहाँ पे स्टेप वैल्यू भी देनी पड़ेगी, तो वो उसके हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। अभी बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे एक ट्रैवर्स करने के लिए, इटरेटिव करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम काउंटर की बात कर रहे हैं कि काउंटिंग करने के लिए हमें बार बार एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, कि ताकि हमें कंडीशन तक पहुँच सके, और ये जब तक ये लास्ट कंडीशन, लास्ट सिक्वेंस नंबर तक नहीं पहुँच जाता तब तक इस स्टेटमेंट को रन करते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर का रेंज देखा जाएगा कितना रेंज है, और जो भी रेंज यहाँ पे हम देंगे उस रेंज तक ये एग्जीक्यूट कराएगा। एग्जीक्यूट कराने के बाद जैसे ही रेंज कंप्लीट होता है तो ये फॉल्स हो जाएगा इसकी कंडीशन, और ये नेक्स्ट जो अदर यहाँ पे फॉर लूप के बाद का जो स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे फॉर होगा आउटसाइड फॉर स्टेटमेंट, यानी कि फॉर लूप की जो बॉडी होगी उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट जो होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट उसको ये रन कराएगा, ओके। तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, इसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है उसको हम समझते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं अपने प्रॉम्प्ट पे, और एक हम नई फाइल बनाते हैं, और नई फाइल में हम इसको लिखेंगे, और इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। तो हमने फाइल को सेव कर लिया है, और अब हम इसमें एक प्रोग्राम बनाएंगे बेसिक। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, कौन सा प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, समेशन ऑफ 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि है समेशन ऑफ 10 नेचुरल नंबर, यानी कि 10 नेचुरल नंबर को, यानी कि 1 टू 10 तक को ऐड करना है, एंड हम इसमें लिख देते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम प्रिंट भी लिख देते हैं, ऐसा लिख लेते हैं क्वेश्चन को, प्रिंट 10 नेचुरल नंबर एंड सो एडिशन समेशन। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं जो हमने लिखा है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे है कि प्रिंट 10 नेचुरल नंबर एंड सो समेशन, यानी कि हमें 10 नेचुरल नंबर को सो कराना है और प्रिंटिंग कराना है, 10 नेचुरल नंबर को प्रिंटिंग कराना है, एंड प्रिंटिंग के साथ साथ हमें लास्ट में उसका समेशन भी प्रिंट आउट करना है। तो अब हमें एक रेंज मिल गया कि 10 नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट करना और 10 तक प्रिंट करना। तो हम इसको समझते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, अब हमें डायरेक्ट हम फॉर लूप यूज करेंगे बिकॉज कि हमें कोई इनपुट तो लेना नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसे एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे, और हम नीचे इसका कोडिंग लिखते हैं। कोडिंग में हम लिखेंगे फॉर लूप का यूज करेंगे, तो हमने फॉर लिख लिया, और जो वेरिएबल आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं इन,
रेंज, अब हम एक रेंज बनाएंगे और रेंज में हमारा क्या होगा, तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 से होगा एंड एंडिंग पॉइंट क्या है कि हमें 10 तक करना है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, नहीं 10 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 11 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक कम चलता है, जो भी हम यहाँ पे स्टॉप वैल्यू देंगे वो उससे एक कम वैल्यू तक चलता है, ठीक है। इसके स्टेप वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी जो कि बाय डिफॉल्ट है, तो हम यहाँ पे रहने देते हैं। तो यहाँ पे अब हमें ब्लॉक बनाना है, अब ये समझ में आ गया कि हमें 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, ठीक है, यानी कि अब हमें 1 टू 10 प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम 11 लिख दिए, तो ये सभी वैल्यू किस में जाएगा, तो आई में जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, आई को प्रिंट कर दो और यहाँ पे आई प्रिंट हो जाएगा। आई प्रिंट होने के बाद हम क्या करते हैं, तो समेशन भी करना है, क्वेश्चन में समेशन भी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम, सम यहाँ पे लिख लेते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, तो सम की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, तो इनिशियल वैल्यू हमें देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे देते हैं सम की, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0। इस चीज को हम समझते हैं यहाँ पे कि सम हमने 0 लिखा तो एक सम नाम का वेरिएबल बनेगा और इसके अंदर अभी क्या है, तो 0 रखा हुआ है, और जैसे ही नेक्स्ट लाइन फॉर लूप का चलेगा तो यहाँ पे लिखा आई इन रेंज 1, यानी कि जो रेंज की पहली वैल्यू है वो आई में चली जाएगी, तो आई में आ चुका है 1, आई हमारा हो चुका है 1, और यहाँ पे प्रिंट कर दो आई को, तो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन क्या कहेगा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, तो अभी सम में कौन सी वैल्यू है, 0, तो 0 प्लस 1, तो हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमें बार बार चेंज करना है, तो आई यहाँ पे चेंज होगा, आई की वैल्यू अभी 1 है, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो अब सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर ये रिपीट करेगा, हमें तो लास्ट कितना तक चलाना है, 10 तक चलाना है, अभी तो आई की वैल्यू 1 ही है ना, तो ये अब क्या होगा कि इंक्रीमेंट करेगा, 2 हो जाएगा, अब क्या होगा कि 2 को प्रिंट कर दो, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर सम के क्या होगा, ये जब लाइन चलेगा तो सम प्लस आई, तो सम की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 प्लस आई की वैल्यू अब दूसरी बार चल रहा है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसको एडिशन करेगा, एडिशन करने के बाद क्या है, तो फिर यहाँ पे सम में असाइन कर दिया गया, तो अब सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 2 नहीं 3 हो चुकी है, क्योंकि 2 प्लस 1 होगा तो 3 होगा। फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा तो फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब 3 हो चुकी है, तो 3 को यहाँ पे प्रिंट कर दो, आई 3 प्रिंट हो चुका है, और फिर ये लाइन चलेगा तो फिर क्या करेगा कि सम के वैल्यू में आई के वैल्यू से एडिशन कर दो, तो सम की वैल्यू अभी 3 है और उसमें हम I के वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। और 6 होने के बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट चलेगा, तो इसी तरह से ये टेंक को टोटल होते जाएगा और यहाँ पे हमें लास्ट में फाइनल रिजल्ट 55 आ जाएगा, और 55 आ जाएगा, और यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको हम एग्जीक्यूट करके एक बार देखते हैं, और यहाँ पे ये चेंजेस करना है, सम प्लस आई करना है, ठीक है, आई की वैल्यू हमें बार बार इंक्रीमेंट कराना है और उसको ऐड करना है, और जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो हमें एक मैसेज भी तो प्रिंट कराना है जो कि टोटल को प्रिंट करेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट कर दो, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं समेशन, ठीक है, समेशन दे दिया, और समेशन में सब वैल्यूज जो भी एडिशन होगा वो सम में आ चुका है। अब इसको रन करा के देखते हैं, तो रन के लिए हम रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल, और जैसे हमने सेव मॉड्यूल को रन कराया, आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर, और 10 नेचुरल नंबर यहाँ से 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे लास्ट में हमें समेशन भी मिल रहा है, इसको ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना आ रहा है, तो 55 है आ रहा है, यानी कि 1 प्लस 2 टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3
प्लस थ्री सिक्स हो गया, सिक्स प्लस फोर यहाँ पे टेन हो चुका है, टेन प्लस फाइव यहाँ पे फिफ्टीन हो चुका है, फिफ्टीन प्लस सिक्सटी ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन फिर सेवन, इसी तरह से ये ऐड होते होते लास्ट में यहाँ पे 55 पहुँच जा रहा, 55 यहाँ पे रिजल्ट आ रहा। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम को रन करा लिया और ये बहुत ही बेहतर तरीके से रन हुआ है। और हम इसमें कोई नाम को भी प्रिंट करा सकते हैं, रेंज स्ट्रिंग को भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, कोई लिस्ट बना हुआ है तो लिस्ट को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे कोई लिस्ट बना हुआ है तो लिस्ट भी तो ये है ना, रेंज रेंज को ही तो लिस्ट में हम स्टोर कर सकते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक और यहाँ पे एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे कि हमने सम या फिर हम यहाँ पे लिख दिए नेम, और नेम को हमने यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है, हमने गीतांश आईटी केवल हमने गीतांश लिख दिया। ठीक है, तो हमने एक नेम बना लिया और नेम में गीतांश लिखा हुआ है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं तो इस रेंज के जगह पे हम नेम लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि आई को प्रिंट करना, और ये नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, और इन सभी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं। हमारा मात्र तीन लाइन ही एग्जीक्यूट करेगा, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम है, नेम के अंदर क्या हुआ गीतांश आ चुका है, और फॉर लूप चलेगा आई आई इन नेम। अब नेम एक वेरिएबल है और नेम में यहाँ पे बहुत सारे हैं और सबके अपने अपने इंडेक्स हैं, हम जान चुके हैं समझ चुके हैं। पहले जब हम स्ट्रिंग पढ़े हैं तो सब क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, इसकी अपनी अपनी इंडेक्सिंग पॉइंट है। तो जैसे जैसे इंडेक्सिंग है वैसे वैसे ही आई में इंक्रीज होगा और यहाँ पे वो प्रिंट भी हो सकता है। तो आइए हम इस लूप के थ्रू किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं, हमने F5 बटन प्रेस किया और यहाँ से हमने ओके किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे एस एक एक स्पेलिंग यहाँ पे अलग अलग प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से नेम को भी प्रिंट करा सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे ये स्टेटमेंट है एक एक लेटर को अलग अलग लाइन में प्रिंट कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में प्रिंट करे, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे कि इंड लिखेंगे, इंड असाइन, और यहाँ पे आपको स्पेस दे देना है कि स्पेस एक प्रिंट करे, एंड में लाइन ना चेंज करके स्पेस प्रिंट करे। अब हम एक बार रन कराते हैं और यहाँ पे देखिए कि जो हमारा आउटपुट आया था अब क्या आ रहा है, यहाँ पे स्पेस प्रिंट करा है कि जो हमने गीतांश लिखा था हर एक लेटर के बाद एक स्पेस यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा, और भी आपको कोई भी स्पेस, क्योंकि क्या होता है ना कि जब प्रिंट स्टेटमेंट चलता है तो लास्ट में उसमें स्लैश एन होता है, एंडिंग मतलब न्यू लाइन होता है, तो ये न्यू लाइन में सबको प्रिंट करता है, बट हमने उसको ओवरराइट कर दिया, स्लैश एन के जगह पर स्पेस रख दिया, तो वो हर एक प्रिंट करने के बाद वो स्पेसिंग करके प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक लूप चला, फिर सेकेंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, इस तरह से बारी बारी से सभी लूप को चलाया, बट एंडिंग में वो स्पेस को प्रिंट कर रहा है। अगर आपको स्पेस नहीं प्रिंट कराना है तो यहाँ पे स्पेस को भी आप हटा सकते हैं, और एक बार और मैं रन करा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। और देखिए यहाँ पे विदाउट स्पेस के साथ उस नाम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया गीतांश को। ठीक है, और हमने इसको लूप के मदद से प्रिंट कराया, और यहाँ पे क्या था कि स्पेस भी बीच में आ रहा था और यहाँ पे विदाउट स्पेस को प्रिंट आउट हो चुका है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा कि एंड में हमें क्या प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे हम स्लैश अगर एन ले दे देते हैं और तो यहाँ पे क्या होगा कि हर लाइन के बाद वो एक नई लाइन ऐड करके प्रिंट करेगा, यानी कि हर एक कैरेक्टर को नई लाइन में प्रिंट करेगा। तो यहाँ हमने रेंज और फॉर लूप को समझ लिया है, और उसमें हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं जो लिस्ट से रिलेटेड हो, जैसे कि नेम हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, तो इन सभी को हम यहाँ पर डाल के प्रिंट आउट करा सकते हैं।
यहाँ फॉर लूप भी हमने समझ लिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इटरेटिव मेथड को देखा, रेंज फंक्शन को समझा, व्हाइल लूप समझा, फॉर लूप समझा, और लास्ट में हमने दो तीन प्रोग्राम भी रन करा के देखा, बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व भी किए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अच्छे नंबर से पास हो सके ओ लेवल का एग्ज़ाम एंड अच्छे नॉलेज भी गेन कर सके, अपना करियर भी सेट कर सके, एक प्रोग्रामिंग अच्छी प्रोग्रामिंग कर सके। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।